कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 190 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसने पहली सूची में 39, वहीं दूसरी सूची में 43 और तीसरी सूची में 56 उम्मीदवार के नाम घोषित किए थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बीते दिन सोमवार को 5 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की, जिसमें सबसे प्रमुख नाम प्रहलाद गुंजल का रहा, जिन्हें राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। गुंजल हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर से रामचंद्र चौधरी, रामसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर, कोटा से प्रहलाद गुंजल और तमिलनाडु के तिरुनवेली से सी रॉबर्ट ब्रूट को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने रविवार को 3 उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की थी, जिसमें जयपुर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बदला गया। सुनील शर्मा के स्थान पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया।